दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार से विश्व यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। टीएमटी सरिया खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आम आदमी को मिली बड़ी राहत। टीएमटी सरिया की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। जी हां दोस्तों, बात करें कितनी गिरावट आई है और आने वाले दिनों में क्या कुछ सस्ता रहेगा। दोस्तों इससे पहले लोहे और टीएमटी सरिया की ताज़ा भाव सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज टीएमटी सरिया की कीमतों में कहाँ गिरावट और कहाँ तेजी आई है। जी हाँ दोस्तों, आज लोहा बाजार खुलते ही चेन्नई में 53,000 प्रति मैट्रिक टन का रेट देखने को मिला और कोई गिरावट नहीं देखी गई। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र के जालना की, तो यहाँ का रेट 53,800 प्रति मैट्रिक टन और कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। वहीं बात करते हैं गोवा की, तो यहाँ का रेट 53,100 प्रति मैट्रिक टन और 300 रुपये की गिरावट देखी गई। वहीं बात करते हैं गुजरात के भावनगर की, तो यहाँ का रेट 53,000 प्रति मैट्रिक टन और 300 रुपये की तेजी देखी गई। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, तो यहाँ पर 57,000 प्रति मैट्रिक टन और 500 रुपये की तेजी देखी गई। बात करते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर की, तो यहाँ पर 50,300 प्रति मैट्रिक टन और कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। वहीं बात करते हैं कलकत्ता की, तो यहाँ पर 46,000 प्रति मैट्रिक टन और 1,000 रुपये की तेजी देखी गई। दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें कि हम जो भी रेट बता रहे हो 12 टीएमटी सरिया का ताज़ा रेट है और विदाउट जीएसटी रेट है। दोस्तों लोहा बाजार में अगर मध्य प्रदेश के इंदौर की बात की जाए, तो यहाँ का रेट 54,000 प्रति मैट्रिक टन और 600 रुपये की तेजी देखी गई। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर की, तो यहाँ पर 50,900 प्रति मैट्रिक टन और 400 रुपये की तेजी देखी गई। दोस्तों अगर बात करें हैदराबाद की, तो यहाँ का रेट 52,500 प्रति मैट्रिक टन और 500 रुपये की तेजी देखी गई। वहीं अगर सबसे ज्यादा तेजी की बात की जाए, तो राजधानी दिल्ली में 1200 हाईएस्ट तेजी के साथ 56,200 प्रति मैट्रिक टन का रेट देखने को मिला। दोस्तों यह अभी तक ताज़ा अपडेटेड रेट है। बने रहे बिहार से विश्व के साथ। धन्यवाद।